आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके चलिए देखते हैं। अब देखिए सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी और मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ओके अब यहाँ से हमें x और y फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, यहाँ मुझे मिलेगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ओके a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ओके अब क्योंकि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है ए। ओके इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना है 2xy, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब क्योंकि मुझे x और y फाइंड करना है, यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है, अगर कहीं से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो मैं उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा, पहले x आ जाएगा, देन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके हम y निकाल सकते हैं। ओके देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना होगा, ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके अब अगर मैं इसमें 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि ये मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म है, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और 2xy की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और 2xy की वैल्यू कितनी है बी, तो प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ में ध्यान ये रखना है कि ये जो वैल्यू मिलेगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्यों पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए x और y क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करता हूँ तो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। ओके, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो उससे क्या होगा, ये वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 2x स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये हमें 2x स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये हमें मिल गया x स्क्वायर। तो यहाँ से हम x भी इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा हमें, तो देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हाफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ओके, ये हमें मिल गया x, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक्स स्क्वायर की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये हमने पुट कर दिया, कितना 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर मिल जाएगा, इसको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, ये मिल जाएगा दिस टर्म माइनस ए, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए, हाफ ए और ये माइनस ए, तो कितना मिलेगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो -a/2। ओके, तो देखिए हमें ये किसके इक्वल मिल गया, ये मिल रहा है हमें 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a/2। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, ये हमें वाई स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ से हम वाई निकाल लेते हैं, तो देखिए वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, तो हमें एक्स भी मिल गया और वाई भी मिल गया। अब हमें बताना क्या था, इसका स्क्वायर रूट हमने क्या माना था, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा भी कितना था, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल था। तो देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए एक्स की मुझे प्लस माइनस के साथ में 2 वैल्यू मिल रही है और वाई की भी 2 वैल्यू मिल रही हैं। अब हमें कब पॉजिटिव वैल्यू लेना है और कब नेगेटिव वैल्यू लेना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ इक्वेशन 2 से देखें कि b कैसा दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया है। अगर b पॉजिटिव है, इसका मतलब जो x y दोनों ही कैसे होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x और y सेम साइन होंगे तभी भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर b अगर नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x और y दोनों अपोजिट साइन है। अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तो y कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा प्लस माइनस। ओके, अब x की वैल्यू रखते हैं, तो x कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ओके, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई की वैल्यू रखते हैं, वो कितना दिया हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर प्लस साइन तब लूंगा जबकि x और y दोनों कैसे हो। यहाँ पर प्लस साइन प्लस माइनस लिया, इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए अगर दोनों ही प्लस साइन के साथ में x और y दोनों ही पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस साइन लेता हूँ इसका मतलब x और y दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, तो ये हम कब यूज करेंगे, इफ 2xy कैसा हो, पॉजिटिव हो। ओके, अगर 2xy की वैल्यू हमें कैसी दी हुई है, पॉजिटिव दी है, इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड y आर ऑफ द सेम साइन। ओके, या फिर हमें क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यह हमें मिलेगा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ हाफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ तो ये माइनस मिलेगा, मतलब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव मिल रहा है। अगर मैं ये नेगेटिव लूँगा इसका मतलब x नेगेटिव हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला में तब यूज़ करना है इफ़ 2xy कैसा हो, नेगेटिव हो, और जो 2xy वाला टर्म है वो कैसा आएगा, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर ऑफ द अपोजिट साइन। ओके, तो यह हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये पूरा हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए हमें z कितना गिवन था, हमें दिया था z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ओके, अगर हम ध्यान से देखें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना मिल रहा है हमें, ये है मॉड ऑफ z, कितना होता है वो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से ए क्या है, ए है रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। ओके, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ जेड, उसके बाद प्लस ए, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, ये वाला 1/2। ओके, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर माइनस है, होल अपॉन 2। ओके, अब ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया। इफ ध्यान ये रखना है, ये कब हमें अप्लाई करना, इफ इमेजिनरी पार्ट, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, अगर जेड जो इमेजिनरी पार्ट है जेड का यानी बी अगर वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो हमें ये अप्लाई करना है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ओके, ये हम कब अप्लाई करेंगे, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। ओके, इसका मतलब अगर b कैसा है, नेगेटिव है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। पर हमें ये वहाँ यूज़ करना है जब कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो हम इससे स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें अपने अगर स्कूल एग्ज़ाम के हिसाब से देखना है तो हमें उसको पूरा सॉल्व करना होगा। ओके, तो हमें ये दोनों भी ध्यान रखना है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए, सपोज मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा ये फाइंड करना है। 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं? x प्लस आयोटा वाई के इक्वल ले लेते हैं। ओके, अब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 7। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। और यहाँ से देखिए 2xy कितना मिल गया? 2xy इज इक्वल टू मिलेगा -24। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ओके, ना हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ओके, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये 2xy का होल स्क्वायर वो कितना? -24 है, तो ये हो जाएगा -24 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो गया? ये मिल गया हमें 49 प्लस 576 इक्वल टू 625। तो यहाँ से हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625, जो किसके इक्वल होगा? 25 के इक्वल होगा। और इसको हमें पॉजिटिव लेना है। वो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्यों पॉजिटिव लेना है। ओके, क्योंकि x और y कैसे हैं? वो रियल नंबर है, उनका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? स्क्वायर का सम वो पॉजिटिव आएगा। ओके, ये होगी हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 + 3 से देखिए, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3 माइनस -y² प्लस y² कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 + 25। ओके, तो ये कितना हो गया? 32। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया? 32/2 कितना? 16। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? ±4। ओके, तो x इज इक्वल टू मिल गया हमें ±4। अब x स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x स्क्वायर की क्या रखा हमने यहाँ पर? 16 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? y स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 16 - 7। ओके, तो y स्क्वायर कितना आ गया? 16 - 7 9। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? ±3। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू ±4 और y इज इक्वल टू ±3 मिला। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर 2xy कैसा है? नेगेटिव है। फ्रॉम इक्वेशन 2 2xy ये कैसा है? ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? तो आंसर क्या आएगा हमारा? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ±। x कितना है? 4। और क्योंकि 2xy कैसा नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, देखिए हमने यहाँ बताया हुआ है कि अगर 2xy नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर फिर माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा वो रीजन हम देख चुके हैं। तो कितना आएगा 4 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा। ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। अब देखिए हमें 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 5 + 12 आयोटा। ओके तो इसको हम x + आयोटा y के इक्वल मान लेते हैं और इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू x² - y² + 2 टाइम्स ऑफ xy आयोटा। ओके कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - y² इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। 2xy इज इक्वल टू 12, इसको बोल देते इक्वेशन 2। ओके ना अब देखिए हमें चाहिए x² + y²। तो x² + y² का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। x² - y² कितना दिया हुआ है हमें 5, तो ये हो जाएगा 5² प्लस इसको लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर और 2xy दिया है हमें 12, तो ये हो जाएगा 12²। ओके तो 5² कितना मिल गया हमें 25 + 12² कितना हो गया 144 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से हमें x² + y² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, जो कैसा मिलेगा हमें पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 13। ओके ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3 तो देखिए क्या हो जाएगा + y² और ये -y² कैंसिल हो जाएंगे तो x² कितना हो गया 2x²। ये आ गया 2x² इज इक्वल टू 5 + 13, तो कितना मिल गया हमें 18। ओके तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब ± 3। तो x की वैल्यू मिल गई हमें ± 3। ओके अब इस x² की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x² की जगह क्या रखना है हमें 9 - y² इज इक्वल टू 5। यहाँ से कितना मिलेगा हमें y² इज इक्वल टू 9 - 5 यानी 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया ± 2। ओके अब x की वैल्यू पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा इस इक्वेशन 2 पर, 2xy के ऊपर। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर क्या है 2xy, ओके अगर 2xy कैसा है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x और y दोनों ही कैसे होना चाहिए, या तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड y भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके अगर 2xy पॉजिटिव है तो x और y की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों ही वैल्यू कैसी होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। लेकिन अगर 2xy की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है तो तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक कैसा होगा पॉजिटिव और दूसरा कैसा होगा नेगेटिव। मतलब अगर x कैसा है, x पॉजिटिव है तो y को क्या होना होगा नेगेटिव। ओके, लेकिन अगर x कैसा है नेगेटिव है तो y को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी ये 2xy कैसा मिलेगा हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये 2xy कितना है 12 है और वो कैसा है पॉजिटिव है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना था वो एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ± x कितना है 3 और फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन, फिर y की वैल्यू कितनी है 2 तो ये आ गया 2 आयोटा। अगर 2xy मुझे नेगेटिव मिलता तो फिर यहाँ पर क्या आता माइनस साइन। मतलब यहाँ पर ये देखिए मुझे दो आंसर मिल रहे हैं क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे +3 और -3, 25 का स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे +5 और -5, तो यहाँ भी क्या दो आंसर आएंगे। तो ये दो आंसर आ जा रहे हैं यहाँ से देखिए, एक तो क्या मिलेगा प्लस साइन के साथ 3 + 2 आयोटा और जो दूसरा आंसर है वो कितना मिलेगा -3 - 2 आयोटा, तो ये वो आंसर होंगे। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया जेड इज इक्वल टू -15 - 8 आयोटा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8 आयोटा। ओके, इसको हम ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें -15 - 8 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये मिल गया हमें -15 - 8 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -y² + 2xy आयोटा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें x² - y² इज इक्वल टू -15, तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, एंड 2xy इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। ओके, नाउ x² + y² का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x² - y² होल स्क्वायर + 4x² y²। ओके, तो यहाँ से हम x² - y² की वैल्यू रख देते हैं -15² प्लस इसको बोल सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है -8, तो ये जाएगा -8²। तो देख कितना आ गया -15² कितना आ गया 225 प्लस -8² + 64, किसके इक्वल आ जाएगा ये आ गया 289। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि x² + y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, यानी x² + y² इज इक्वल टू कितना 17 का स्क्वायर कितना आता 289। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा ये x² + x² कितना हो गया ये 2x² इज इक्वल टू -y² + y² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है -15, यहाँ पर कितना है ये -15 और ये कितना है +17, तो कितना मिल गया मुझे 2x² इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिल गया x इज इक्वल टू ±1। अब x² इज इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, एक्सेस करके ये क्या रख दिया हमने 1, तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर माइनस 50 इधर ट्रांसफर होगा तो 15 प्लस 1 16। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया प्लस माइनस 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y इज इक्वल टू मिल गया हमें प्लस माइनस 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर कितना है, इक्वेशन 2 में देखिए तो 2xy कैसा है, 2xy ये कैसा है, ये नेगेटिव है, 2xy वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू, क्योंकि 2xy वाला टर्म नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब देखिए x किया है कितना 1 और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा। ओके, यहाँ पर ये देखिए हमें दो आंसर मिल रहे हैं, कौन कौन से दो आंसर मिल रहे हैं, जब मैं प्लस साइन ले रहा हूँ ये प्लस साइन लूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है ये आंसर 1 माइनस 4 आयोटा, और जब मैं माइनस साइन ले रहा हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2xy वाला टर्म कैसा है, नेगेटिव है, तो इसीलिए देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की नेगेटिव है, अगर x की नेगेटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, तो ये हमारे आंसर हो गया। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ओके, माइनस, अब देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस इस बात पर डिपेंड करता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फिर यहाँ क्या आता था माइनस साइन आता था, तो यहाँ क्या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ओके, इफ ये कब आता था, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव हो तो। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो यहाँ पर मॉड ऑफ जेड कितना है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड कितना है माइनस 15 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा ये 225 प्लस 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू कितना 17। ओके, तो मॉड ऑफ जेड कितना मिल गया 17, इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दे तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड कितना प्लस 17 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर देखिए रियल पार्ट कितना है माइनस 15, तो ये माइनस 15 अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड 17 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 15 अपॉन कितना 2। ओके, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है प्लस माइनस 17 माइनस 15 कितना 2, 2 अपॉन 2 कितना 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 वो कितना मिलेगा हमें 1 माइनस आयोटा 17 माइनस ऑफ माइनस 15 कितना हो गया ये 32, 32 अपॉन 2 कितना हो गया 16 और रूट 16 कितना है 4, तो ये आ गया 4। ओके, तो हमें कितना मिल गया ये प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ओके, देखिए यहाँ भी वही आ रहा था प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। अब देखिए यहाँ पर हमें आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें आयोटा, देन स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, इसको ले लेते हैं हम एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो कितना हो गया, ज़ीरो। ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। 2xy कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पर कितना 2xy, यहाँ पर आयोटा कोएफिशिएंट कितना है 1, तो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ये हो गई इक्वेशन 2, ओके। नाउ अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। ये हो गया ज़ीरो प्लस 2xy वो कितना है 1, 1 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा हमें 1, कितना मिल गया हमें ये 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ 1, मतलब कितना मिलेगा हमें 1। तो ये होगी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/2, तो x इज इक्वल टू कितना 1/√2 प्लस माइनस साइन के साथ। तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√2। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितना 1/2, तो यहाँ हमने रख दिया 1/2, 1/2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ओके। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें प्लस माइनस 1/√2, ये y मिल गया हमें। और x भी कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1/√2, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए x की है कितना आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर प्लस या माइनस आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, 2xy के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कितना है 2xy टर्म कैसा है, 2xy ये कैसा है, पॉजिटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन, तो ये आ जाएगा 1/√2, ओके। तो क्या आंसर हो गया है, चाहे तो हम इसमें से 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ओके। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या हो जाता है ये, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हमें जेड कितना दिया हुआ है आयोटा, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट तो है नहीं, वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 1, यानी मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और फार्मूला क्या होता था हमारा वहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ जेड फाइंड करने का, तो वो होता था देखिए प्लस माइनस, एक बार और लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ होता था मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, फिर यहाँ पर प्लस या माइनस इस बात पर डिपेंड करता था कि इमेजिनरी पार्ट कैसा है, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा, अदरवाइज यहाँ माइनस आता। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 आयोटा. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड कितना है यहाँ पर 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड 0 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड कितना 1 रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 0 अपॉन कितना 2 आयोटा. तो देखिए कितना आ गया है सॉल्व होके, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, यह आ जाएगा कितना 1 अपॉन रूट 2 प्लस यहाँ भी आएगा 1 अपॉन रूट 2 आयोटा. 1 अपॉन रूट 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस आयोटा. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा.